subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा तालिबा, सर अब्दुल सत्तार खान यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 12th पॉलिटिकल साइंस उर्दू मीडियम चैप्टर नंबर माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेनेशन इन हिंदू उर्दू। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स बिगिन। यू आर ऑलरेडी स्टडी इन 11th क्लास द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी माशियात क्या है, इस बारे में आप 11वीं जमात में पढ़ चुके हैं। इसका एक हम यहाँ पर तारुफ देखेंगे, इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो। जुज़्वी माशियात और कुल्ली माशियात जदीद माशियात की दो अहम शाखें हैं। जुज़्वी माशियात की इस्तिलाह यूनानी लफ्ज़ माइक्रोस से माखूज है, जिसके मानी छोटा या 10 लाखवां हिस्सा है। कुल्ली माशियात की इस्तिलाह यूनानी लफ्ज़ मैक्रोस से माखूज है, जिसके मानी वसी यानी बड़ा है। ये इस्तिलाहात नार्वे की ओस्लो यूनिवर्सिटी के माहिर माशियात रेगना फ्रेसिक ने 1933 में वाजे की। और माशियात की दोनों अहम शाखें जुज़्वी माशियात और कुल्ली माशियात है। इसका तारुफ में क्या है, जुज़्वी माशियात और कुल्ली माशियात, यानी जुज़्वी माशियात क्या रहेगा, छोटा यानी 10 लाखवां हिस्सा, और मैक्रोज यानी मानी वसी और बड़ा हिस्सा। इसे किसने दिया है, रेगनार फ्रेसिक ने 1933 में से बताया था। रेगनार एंटोनक केटिल फ्रिश ये नॉर्वेन इकोनोमेटेरियन है, 1895 से 1973, एंड इकोनॉमिस्ट वाज अ जॉइंट विनर विद जैन टिनब्रे ऑफ द फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इन 1969। ही वाज अ पायनियर ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल एंड स्टैटिकल टेक्निक्स टू इकोनॉमिक डेटा एंड थ्योरीज। चलिए इनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। रेगना एंटन किटल फ्रिस्क नार्वे का एक माहिर माशियात था, जो कि जॉन टिम्बरलैंड के साथ 1969 में माशियात के पहले नोबेल प्राइज़ का फातह था। इसने अलजेब्राई मॉडल के इतलाक़ यानी इस्तेमाल और माशी आदात की शुमारियती तकनीक और नज़रियात की माशी बुनियाद कायम की थी। ये बहुत अहम चीज़ है इसमें, यानी माशियात में अलजेब्राई मॉडल उसका इतलाक़ और उसके माशी आदात की शुमारियती टेक्निक यानी स्टैटिकल डेटा को टेक्निकली तौर पर यूज़ करना है। इसने अपने आर्टिकल में कारोबारी चक्कर पर मुख्तलिफ माशी इस्तिलाहात वाज़ेह किए। कारोबारी चक्कर यानी कोई चीज़ बनती है, तैयार होती है, उसे एक जगह से दूसरी जगह बेचा जाता है, वहाँ से वो तीसरे से चौथे, ऐसा पूरा एक मुकम्मल चक्कर होता है, उसे कारोबारी चक्कर कहते हैं। फ्रिस्क इनफरादी फर्म और पैदाकार के मुताले को जुज़्वी माशियात से मंसूब करने के लिए अव्वलिन शख्स था। मज़ीद इसको कुल्ली माशियात के मुताले से मंसूब किया जाता है। कुल्ली माशियात यानी कि मैक्रोस। हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का तारीख़ी पस मंज़र देखना है। हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और जुज़्वी, अब ये कुल्ली मईशत का तारीख़ी नुक्ते नज़र देखना है। तो पहला जो जुज़्वी मईशत का तारीख़ी जायज़ा है, उसमें देखेंगे जुज़्वी माशी नज़रिए ने पहले तरक्की की। ये कदीम नज़रियात है, यानी बहुत ही पुराना है, ज़माना कदीम से ही चलता आ रहा है। इस नज़रिए की इब्तदा आगाज़ में कदीम माहरीन माशियात एडम स्मिथ, डेविड रिकॉर्ड और जे एस मिल के दौर से अर्ज़ किया जा सकता है। इसे न्यू क्लासिकी नए और कदीम के दरमियान माहिर माशियात प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की किताब माशियात के क़वानीन यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के ज़रिए शोहरत हुई। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बहुत पुरानी है, एडम स्मिथ और डेविड रिकॉर्डो और जे एस मिल के दौर से इसमें काम किया गया था। अब ये क्या है, 1890 से इसमें और ज़्यादा तब्दीली आई। दीगर माहिरीन माईशात मसलन प्रोफेसर पी गो जे आर हिक्स, प्रोफेसर सैमुएलसन और मिसेस जॉन रॉबिसन वगैरह ने माशी जुज़्वी माशियात पर बहुत अहम काम किया है। देखिए जुज़्वी माशियात यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का, माइक्रो फाइनेंस का एक बहुत बेहतरीन जो तजुर्बा है वो बांग्लादेश के यूनुस मोहम्मद ने किया था, उनके बारे में आप यूट्यूब पर या फिर नेट पर सर्च कर सकते हैं। कुल्ली माशियात का तारीखी जायज़ा। कुल्ली माशियात माजी में जुज़्वी माशियात के इर्तिखा बतदरीज तरक्की से पहले मौजूद था। 16वीं-17वीं सदी में ताजरों के पैरोकार यानी अंग्रेज़ ताजरों का एक ग्रुप जो कंपनी बनती थी, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, हुकूमत के कुल्ली नज़रियात पर मुनसर पॉलिसी की वकालत की। 18वीं सदी में मादा प्रस्त यानी फ्रांसीसी मुफक्किरीन ने कौमी आमदनी और दौलत के नज़रिए का तजिया करने की कोशिश की। हत्ता के कदीम माहरीन माशियात एडम स्मिथ, प्रोफेसर रिकॉर्डो और जे एस मिल वगैरह ने भी इसे अपने नज़रियात में कौमी आमदनी और दौलत के तयन पर बहस की है।
अब कौमी आमदनी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, जीएनपी, एनपीपी, ये तमाम चीज़ें जो है ये कुल्ली मईशत का एक बड़ा अहम, ये इसमें वसी तनाजुर में देखा जाता है मईशत को, पूरे मुल्क की मईशत। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बहुत छोटे छोटे लेवल पर होती है, लेकिन इनके कुल्ली नज़रिया जुजवी तजिए से जुड़े होते हैं हुए थे, लिहाजा जुजवी तजिए ने 1930 के अजीम मंदी तक माशी दुनिया पर हुकूमत की। यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी वो 1930 की अजीम मंदी की वजह से क्या हो गया, वो धराशायी हो गया था, क्योंकि 1929 और 30 में इतनी ज़्यादा मंदी हो गई थी कि लोग है तो सामान को जला दे रहे थे, तबाह कर रहे थे। अजीम मंदी के बाद लॉर्ड जॉन मेनार्ड डिकेंस ने अपनी किताब ज़र सूद और रोज़गार का आम नज़रिया 1936 में शाया किया। ज़र यानी पैसा, सूद यानी इंटरेस्ट, और रोज़गार यानी कि लेबर। केन्स ने मौशी मसाइल के तज्जिये के लिए कुल्ली मौशी नज़रिए को इस्तेमाल किया, लिहाजा कुल्ली मौशी नज़रिए की तरक्की का सहरा लॉर्ड केन्स को जाता है। केन्स के अलावा मॉल्थिस, विक्सेल, वॉलरस, आरोंग फिशर और दीगर माहरीन मईशत जो कुल्ली मईशत की तरक्की में हिस्सेदारी रखते हैं। यानी पहली जो कुल्ली मईशत थी वो सिर्फ गवर्नमेंट डिपेंडेंट थी, हुकूमत के नज़रिए से सोची जाती थी, अब ये एक आलमी नज़रिया बन चुका है और इसमें बहुत सारे सरमायादार भी शामिल हो चुके हैं। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जुज़वी जो मईशत है उसकी तारीफ़ क्या है। माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, यानी एक बहुत छोटा हिस्सा, एक छोटा हिस्सा जुज़वी मईशत कौमी मईशत के एक छोटे हिस्से की वजाहत करता है। ये इनफरादी इकाइयों के माशी अमल और सेल्वक, मसलन इनफरादी सारिफ, इनफरादी पैदाकार या फर्म, मखसूस अशिया या अमल की कीमत वगैरह का मुताला करता है। यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये बहुत जो कुल्ली मईशत है उसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, और ये छोटा हिस्सा किसको डिफाइन करता है, इनफरादी इकाइयों को। इनफरादी यानी पर्टिकुलर सिंगल पर्सन होता है। अब जैसे कोई छोटा सा ताजिर है, उसकी छोटी ताजिर की फार्म है, या फिर कोई इनफरादी सारिफ है, पैदाकार है, प्रोड्यूसर है, उसको वो डिफाइन करता है। अब जुज़वी मईशत यानी डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, अब हम मज़ीद तारीफ़ें देखेंगे। सबसे पहले मार्क्स डाब ने क्या कहा है, जुज़वी मईशत हकीकत में मईशत का खुर्दबीनी मुताला है। यानी जुज़वी मईशत माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये मईशत का इकोनॉमिक्स का खुर्दबीनी मुताला है। यानी तो आप माइक्रोस्कोप के ज़रिए बारीकी से उसका जायज़ा लेंगे। डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब इसमें मॉरिस डॉब और एपी लर्नर की इकोनॉमिक्स देखेंगे, उसके बाद स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे। जुज़वी मईशत हकीकत में मईशत का खुर्दबीनी मुताला है। प्रोफेसर ए पी लर्ज क्या कह लर्नर क्या कहते हैं, जुज़वी मईशत यानी खुर्दबीन के ज़रिए मईशत को देखना है, जहाँ दिखाई देता है किस तरह मईशत के जिसमें लाखों जानदार के तौर पर, इनफरादी या घरेलू अफराद सारिफ के तौर पर, और इनफरादी फ़र्द या फर्म पैदाकार के तौर पर पूरे माशी निज़ाम के अमल में अपना किरदार अदा करते हैं। यानी छोटे छोटे एक आम इंसान, छोटा ताजिर, बड़ा ताजिर, घर की ख़वातीन, ये छोटे घरेलू उत्पाद करने वाले या छोटे बिजनेसमैन, ये तमाम चीज़ है जो है ये एक बड़ी मईशत का हिस्सा होते हैं, कुल्ली मईशत का हिस्सा है। तो ये हर एक के ऊपर नज़र रखना, ये जुज़वी मईशत का अमल। अब जुज़वी मईशत का दायरा अमल क्या है, स्कोप क्या है, सबसे पहला है माशी फलाह का नज़रिया। अब माशी फलाह यानी किसको फलाह पहुँचेगी, मुकम्मल माशी कारकर्दगी, सिर्फ सर्फ में कारकर्दगी या पैदावार में कारकर्दगी, यानी प्रोडक्शन करना है, कंज्यूम करना है, और दोनों को एज ए होल देखना है। उसके बाद अवामिल की कीमत का नज़रिया, अवामिल की कीमत का नज़रिया कैसा है, जैसे अगर आप एक दुकान लगाते हैं तो उसका किराया किराया है, फिर जो काम करने वाले हैं उनकी उजरत है, जो लोन लिया है उसका सूद है, और जो कुछ चीज़ें बेचेंगे उससे हासिल करता मुनाफा, ये क्या है, अवामिल की कीमत का नज़रिया। अब पैदावार की कीमत का नज़रिया क्या है, रसद का तजिया, रसद यानी सप्लाई, और मांग का तजिया यानी डिमांड। अब जितना डिमांड रहेगा उतना ही आप मंगाएंगे और उतना ही बेचेंगे, तो ये मांग यानी रसद और मांग यानी सप्लाई एंड डिमांड दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी कोई चीज़ की कीमत का तयन कैसे करते हैं, द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कम्योडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी रसद और मांग के हिसाब से ही आप किसी की कीमत तय कर सकते हैं। पैदावारी कीमतों का नज़रिया, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, इनफरादी अशिया की कीमतों का तयन बाजारी मांग और रसद के दबाव के ज़रिए होता है। जुज़वी मईशत मांग तजिया, मसलन इनफरादी सारिफ सलूक, और रसद तजिया, मसलन इनफरादी पैदावार कार का सलूक से मुंसलिक होना।
ये तमाम चीज़ें क्या है, यानी इंफ़रादी अशिया की कीमतों का तायुन कैसे करेंगे। बाजार में जिस चीज़ की डिमांड रहेगी, मांग रहेगी, उसी का सप्लाई रहेगा। जिस चीज़ की डिमांड नहीं है, मांग नहीं है, तो आप उसका सप्लाई कैसा करेंगे। आपको कैसे जो कोई चीज़ है तो आप मंगा सकते हैं। जैसे जुजू माशियात में मांग का तजिया कैसा होता है, इंफ़रादी तारीफ के सलूक पर होता है। दिवाली में कोई चीज़ लग रही है तो दिवाली के वक्त ही उसकी पैदावार होती है। अब अवामिल पैदावार की कीमतों का नज़रिया क्या है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। जुजवी माशियात में ज़मीन, मजदूर, सरमाया और मुंतजिम ऐसे अवामिल हैं जो पैदावारी मराहल में हिस्सादारी रखते हैं। अब इसमें कौन सी चीज़ें, जैसे कोई किसान है, और किसान क्या कर रहा है, उसके पास ज़मीन है, वहाँ पर मजदूरी भी कर रहा है, कुछ मज़दूर उसने और वहाँ पर हायर कर लिए है, पैसा लगाया है, उनको तनख्वाह दे रहा है और उसका इंतज़ाम कर रहा है, तो ये पैदावारी मराहल है। अब इसमें क्या है, जुजवी माशियात में ज़मीन, मजदूर, सरमाया। अब ये सिर्फ किसान के मामले में नहीं है, छोटे ताजिर भी इस बारे में ऐसे ही काम करते हैं। जैसे कोई दुकान है, दुकान का किराया है, उसमें कितनी उजरत देना है, सूद कितना है, बैंक से लोन लिया है तो, और मुनाफे की शक्ल में हासिल किया हुआ, ये तमाम चीज़ें आपके अवामिल पैदावार की कीमतों का नज़रिया का तायुन करते हैं। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स डेट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। चलिए देखते हैं इसके अगले हिस्से को, पैदावार में कारकर्दगी, यानी एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। पैदावार में कारकर्दगी से मुराद दस्तियाब वसाइल के मकदार से जितनी मुमकिन हो अशिया की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करना। किसान के मामले में भी ऐसा होता है, कारखानेदारों के मामले में भी हो सकता है, छोटे ताजिर और बड़े ताजिर सबके बारे में यही चीज़ होती है। सर्फ में कारकर्दगी, सर्फ में कारकर्दगी से मुराद लोगों में पैदा शुदा अशिया और खिदमात के सर्फ के लिए इस तरह तकसीम हो के समाज की ज़्यादा से ज़्यादा तशफ़ी हो। अब ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या है, इससे मुराद ऐसी अशिया की पैदावार करना जिनकी लोग इंतहाई ख्वाहिश रखते हों, यानी जो चीज़ें ज़रूरी है, जिसकी ज़रूरत है, लोग चाहते हैं, वही चीज़ की तरफ पर ख्याल करना है। वही चीज़ यहाँ पर जुज़वी माशियात का नज़रिया इस बात की वजाहत करता है। इन तमाम किस्म की कारकर्दगी ने क्या कैफियत हासिल की, लिहाजा जुज़वी माशियात ख़ास तौर पर कीमत, नज़रिया और वसाइल के तायुन को उजागर करता है। ये मुकम्मल मईशत से मुतालिक कुल मजमुआ का मुताला नहीं करता। ये नज़रिया कौमी माशी मसाइल जैसे कि बेरोज़गारी, गुरबत और आमदनी की नाबराबरी वगैरह का मुताला नहीं करता। नमू का नज़रिया, तजारती चक्कर का नज़रिया, ज़रिए और मालियाती पॉलिसियाँ जुज़वी माशियात के हदूद से बाहर हैं। अब देखिए इसमें से चार चीज़ें बाहर हैं, नमू का नज़रिया, तजारती चक्कर का नज़रिया, ज़रिए और मालियाती पॉलिसियाँ, ये जो है जुज़वी माशियात से बाहर है, क्योंकि ये आपको कुल्ली मईशत के अंदर देखने को मिलेगा। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।